हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अब मंथली रीडिंग करने जा रही हूँ मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। और आपकी लव लाइफ के बारे में जान लेते हैं। नवंबर माह में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, यानी कि आपके पार्टनर की और आपकी कैसे बनेगी, ठीक है। तो ये मंथली रीडिंग जो है सबसे पहले मैं एक्वेरियस के लिए करने जा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि एक्वेरियस आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, आपके पार्टनर के साथ कैसी रहेगी, ठीक है। आपके लव पार्टनर हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर हो सकती है, कोई भी जिनके बारे में आप देखना चाहते हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर के साथ आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, तो चलिए लेते हैं उनकी एनर्जी से, ठीक है। यानी कि उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या रहेंगी, ठीक है। तो एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जी देख रहे हैं हम, ठीक है। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। एक्वेरियस के जो भी पार्टनर है, मेल फीमेल, उनके बारे में बताइए, उनकी एनर्जी नवंबर माह के लिए कैसी रहेगी। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा। ओके, तो हम सबसे पहले आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे, ठीक है एक्वेरियस। ओके, तो सबसे पहले मैं देखने वाली हूँ कि आपके पार्टनर एक्वेरियस आपके पार्टनर जो है आपके रिश्ते के बारे में क्या सोचेंगे नवंबर में, आपके रिश्ते को लेकर वो क्या किस तरह से सोचेंगे, किस रूप में आपके रिश्ते को देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक कार्ड, ओके, टू ऑफ सॉर्ड्स। वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, मेरे व्यूअर्स जो हैं एक्वेरियस जो हैं उनके बारे में इनके पार्टनर क्या सोचेंगे, आपको कैसे देखेंगे। सेवन ऑफ कप्स, ओके, आपके लिए फीलिंग्स क्या रहेंगी आपके पार्टनर की, एक्वेरियस आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए नवंबर माह में क्या रहेगी। फोर ऑफ कप्स, आपसे चाहते क्या है, ओवरऑल आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी ये भी देख लेते हैं। ओवरऑल लव लाइफ कैसी रहेगी आपकी, ओके। एट ऑफ कप्स, ओके, देखिए एक्वेरियस बहुत एनर्जीज देखते हैं अभी क्लैरिफाई करके। टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, एक्वेरियस के रिश्ते में क्या सोच रहे हैं वो एक्वेरियस के पार्टनर। यहाँ पर है टू ऑफ कप्स, ओके। सेवन ऑफ कप्स, ये आपको कैसे देख रहे हैं, मेरे व्यूअर्स एक्वेरियस जो देख रहे हैं उनको कैसे देख रहे हैं इनके पार्टनर, सेवन ऑफ कप्स क्यों हैं। स्ट्रेंथ, ओके, आपके लिए फीलिंग्स फोर ऑफ कप्स क्यों हैं, एक्वेरियस के लिए फीलिंग्स इनके पार्टनर की फोर ऑफ कप्स क्यों हैं। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स, चाहते क्या हैं, ओवरऑल लाइफ कैसी रहेगी, लव लाइफ नवंबर माह में एट ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, लव लाइफ कैसी रहेगी एक्वेरियस की। एट ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्स, ओके, देखिए एक्वेरियस यहाँ पे हेरोफेंट है, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं हो सकता है कि आपसे कमिटेड है ना ऑलरेडी, ठीक है। और नहीं भी हैं तो आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जीज क्या आएंगी वो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इनकी मेन एनर्जी आ रही है हेरोफेंट की, मुझे ऐसा लगता है कि आपसे कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं, या फिर आपसे कोई जैसे कमिटेड रिलेशनशिप में है तो उसमें अपना, जैसे कहते हैं ना, अपना हक चाहते हैं कोई, ठीक है। तो एक्चुअली आपके जो पार्टनर हैं वो आपको कैसे देख रहे हैं, ठीक है, ये आपको इस तरह से देख रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। टू ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास या इनके पास, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, आपको समझ नहीं पा रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। इनको ये मतलब जैसे कहते हैं ना, कोई सच्चाई देखने की कोशिश कर रहा है पर सच्चाई जान नहीं पा रहा, ठीक है। तो आपके पार्टनर की तरफ से ये लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए कन्फ्यूजन में रहेंगे कि आप क्या सोचते हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इनके दिल में प्यार तो है पर प्यार में कन्फ्यूजन है, ऐसा लग रहा है कि कोई जैसे कहते हैं ना कि आपसे इनके प्रति आपका प्यार है या नहीं, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, यानी कि आपका प्यार इनके लिए है या नहीं ये भी कन्फ्यूजन में है, ठीक है। तो कोई आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है आपके साथ, ठीक है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। ये आपको किस तरह से देख रहे हैं कि आप एट सेवन ऑफ कप्स, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो, आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, आपके बहुत ज़्यादा एडमायरर हैं, या फिर आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, आप बहुत सारे ऑप्शंस को देख रहे हो, ठीक है। ये इस तरह से आपको देख रहे हैं कि आपके पास ऑप्शन है, सेवन ऑफ कप्स, आप ऑप्शंस को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो, आप सच नहीं बता रहे हो, कहीं ना कहीं अपने आप को रोकते हो सच बताने से, लेकिन सच्ची बात ये है इनके दिमाग में कि आप कहीं ना कहीं कोई सच्ची बात को छुपा रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं किसी को, ठीक है। इस तरह से आपके लिए सोच रहे हैं, आपके लिए इनकी फीलिंग्स क्या हैं, फीलिंग्स ये बहुत ज़्यादा रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उदास हैं, मायूस हैं, इनको अकेलापन फील हो रहा है, किसी और के ऑफ़र को नहीं बल्कि आपके ऑफ़र को स्वीकार करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि इनको रिजेक्शन फील हो रहा है, कहीं ना कहीं आपसे हार्ड ब्रेक मिला है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, इनको डेफिनेटली डाउट्स है आपके ऊपर, ऐसा मुझे एक्वेरियस लगता है, ठीक है। सबसे मैच नहीं होगी क्योंकि जनरल रीडिंग है। ओवरऑल आपकी लव लाइफ नवंबर में कैसी रहेगी, यहाँ पे है एट ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लगता है
थोड़ी सी निराशा रहेगी, थोड़ी सी उदासी रहेगी, जो स्पार्क आपकी लव लाइफ में होना चाहिए वो नहीं है, ये क्योंकि आपके पार्टनर आप पे शक कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ड्यूल है और आपके लिए कन्फ्यूजन इनके माइंड में दिखाई दे रहा है, ठीक है। प्रिंसेस ऑफ वॉन्स ये हार नहीं मानेंगे, आपसे कुछ बात पूछना चाहते हैं या फिर जैसे कहते हैं ना इस मायूसी को भगाना चाहते हैं, ठीक है। तो प्रिंसेस ऑफ वॉन्स ये सच्चाई पसंद इंसान है और सच्चाई सुनना चाहते हैं आपसे, ठीक है। तो ये किसी बात की क्लियरिटी मांगना चाहते हैं, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि आपसे जो कमिटेड रिलेशनशिप है उसमें कोई सच्चाई जानना चाह रहे हैं। तो पूरी तरह से जनरल रीडिंग है, आपसे जिस तरह भी मैच करे लीजिएगा, ठीक है। तो आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही, आपके पार्टनर की तरफ से कन्फ्यूजन और जैसे कहते हैं ना रिजेक्शन इनको फील हो रहा है आपकी तरफ से, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओवरऑल आपसे जितना मैच करे, ठीक है। आज तक के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट रीडिंग में जरूर मिलती हूँ गाइस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।